आई हूँ रुकने। अब आप पाँच क्या किधर मेरा अब 5 दिन आप खुद नाश्ता करो। है? बताओ जो बता दो। ये तुमने जो ड्रेसिंग की है ना, हाँ। ये पिशावर में जो ढोल बजाते हैं जी जी वो करते हैं। कैसे है? एक मिनट, बहुत तेज हो रही है, बहुत तेज हो रही है ना, रोना आ रहा है मुझे, रोई हो रही। लेकिन देख ये आज की फीलिंग है बस, एक पैदा होने की और एक शादी होने की। Assalamualaikum, so welcome back to the new vlog. तो भाई सुबह सुबह की जो हमारी मॉर्निंग हो रही है वो हो रही है भाई किचन से, क्योंकि काफी ज्यादा भूख लगी है। तो फर्स्ट हम करेंगे नाश्ता और फिर आपको बताएंगे कि भाई क्या सीन है आज। नाश्ता 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 नाश्ते में पराठा, चाय और अंडा। मैं जा रही हूँ रुकने। अब आप पाँच क्या किधर मेरा है? अब 5 दिन आप खुद नाश्ता है? बाय बाय। कुछ भी सच में जा रही हो? जी बताओ मेरा क्या होगा कालिया? आप नींद में थे, मैंने आपको बताया था, आपको समझ ही नहीं आई। आपने नींद में बोला सही है सही है। कालिया मेरा क्या होगा? भासिल में बासी बासी तुम्हें पास छोड़ के जा रही हो ना? भासिल मैं जा रही हूँ। भासिल को लेके जा रही हो? आप एंजॉय करिएगा, आपके बेस्ट फ्रेंड आए हैं। और मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ है मैं अंदर से बड़ा खुश हूँ तुम जा रही होगा। अच्छा मुझे ना मेरे कुछ लोग थे टेंशन नहीं है जाए फिर वासिल जा रहा है यार। वासिल का थोड़ा बहुत सिर्फ अफसोस होगा कि यार वासिल नहीं है, मिल तो सकते हैं जाकर बट लेकिन घर पे नहीं होगा ना। पापा का 1 2 3 अभी दादी साथ जो है वो कार्टून देख रहा है। कार्टून पापा शाना है? नहीं भाई अभी कार्टून देख रहा, पापा शाही था। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रहे है? आ जाओ देख रहे। अच्छा आ रहा हूँ आ गया जी। क्या हु? क्या हो गया? किसको हो गया? पानी होता है ना अभी फिलहाल है नहीं, हूँ कर रहा है। अच्छा पानी को हूँ कर रहा है ये? अब ये हूँ करता ही रहेगा जब तक वो चीज यहीं पड़ी रहेगी। भासिल भी हूँ उसी वक्त करता रहेगा। नहीं इसमें नहीं डालना, ये बर्फ का वो है, नहीं डालना इसमें, छोड़ दो। नहीं गंदा बर्फ रखते हैं और ये पोछा लगाने का अभी तक नहीं छोड़ा इसको। क्या छोड़ दो ना भाई, ये बाल्टी और ये क्यूब्स का वो साथ लेके घूमना है क्या? बस ये आज का पोछा ये लगाएगा। तो भाई हमने सबसे मजाक वगैरह करे थे लेकिन सच में जो है ना ये बासिल और सबा जो है वो जा रहे हैं अपनी अम्मी के यहाँ पूरे 3-4 दिन के लिए। तो आपका भाई जो ना अकेला पड़ जाएगा। अब आपका भाई बच्चों वाला हो गया यार, तो होता है फील आता है अकेले अकेले अलोन अलोन। भाई नानी भी आ गई है बासिल की। नानी को जिद कर रहा है कि नानी बाहर लेके जाओ। अबे लेके जाएंगी नानी, अपने साथ लेके जाएंगी घर। भाई नाश्ता आ चुका था, अंडा मैं खा चुका हूँ, तो फटाफट से करते हैं भाई नाश्ता। टाटा बाय 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 बाय। चलो भाई जाओ, नानी साथ जा रहे हैं। पापा पापा कर, बाबा पापा कर ले, आज बाबा पापा कर ले आज। अरे भाई आ जाओ ना, फिर जा रहे हो ना फिर? नहीं आ रहा मैं, चलो मुझे कर लो, टाटा कर लो, बाय बाय। तो भाई फटाफट से हो गया मैं रेडी और बासिल जो है ना वो मुझसे पप्पे करा के भी नहीं गया, वो ऐसे ही चले गया भाई अपनी नानी के 3-4 दिन के लिए। और दूसरा पीछे देख सकते हो कपड़े शपड़े भाई सब जो है ना वो फुल तैयारी कर रहे हैं भाई। आज जो है वो मेरे दोस्त की जो है ना वो बारात है भाई, बारात। खुशी अलग सी है भाई क्योंकि वो मेरे साथ ही उसने ग्रो किया है, काफी टाइम हमने एक साथ गुजारा है, एक साथ खाया पिया है, रोज का बैठना उठना घरों में आना जाना। आज जो है ना वो भी लटकने वाला है तफरी में बोलते हैं हम लोग, लेकिन शादी एक बहुत अच्छी चीज है और ये सबको कर लेनी चाहिए एज कम्पेयर टू रिलेशनशिप। अच्छा मेरे कपड़े भी आ चुके, तो फटाफट से पहले मैं अपने कपड़े दिखाता हूँ कि आज मैं क्या कपड़े पहन रहा हूँ। एक्सक्यूज मी रेडी? Yes. कहाँ है मेरे कपड़े? अरे ये रे खुल जा सिम, इसको खुलना ही नहीं है भाई, ये बोल रहा है कि जब तुम पहनोगे जब ही दिखाना। चलो फिर जब ही दिखाएंगे। फरिया जो यहाँ पढ़ाई कर रही है, फरिया तुम तो नहीं जाओगे? तुमने पढ़ाई पेपर चल रहा है, मेरा लास्ट पेपर है और मैं जाऊंगी। नहीं 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 पढ़ाई जरूरी करनी, पढ़ाई मम्मा ने मना किया था लेकिन अब मैं जाऊंगी क्योंकि मेरा इजी पेपर है। देख ले फिर पेपर खराब ना हो, जाऊंगी अच्छा पेपर होगा। खुल जा सिम। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ भाई सभा को ड्रॉप करने सलोन, और सलोन से फिर पिक भी करना है, तो उसको छोड़ते हैं फटाफट से और फिर मैं रेडी होऊंगा, फिर इसको वापसी से पिक करके फिर डायरेक्ट शादी। उस दिन आप बहुत लेट आए थे, सॉरी जल्दी आ जाऊंगा ना। मेहमान भी कराची आ चुके हैं शादी के लिए। क्या बात है जी, वेलकम वेलकम। कहाँ गाड़ी रोक दी है भाई? बगैर किसी स्टॉप के गाड़ी इधर रोक दी है, बस वाले कहीं पर भी रोक देते। भाई कितने का पापड़? एक पैकेट भैया 100 रुपए का। 100 रुपए का पैकेट है भैया? क्या बात है, एक पैकेट दे दो। ये आ गए पापड़। ओ भाई मसाला तो पहले से डला हुआ इसके ऊपर यार। चलो बाय बाय मिलते हैं, जल्दी आएगा प्लीज प्लीज प्लीज। ओके सो भाई सभा को छोड़ दिया है और अब चलते हैं भाई घर। आया ये कुछ खाना भी रस्ते से, क्या कहते हो? हल्का फुल्का खा लेंगे, हल्का फुल्का खा लेते हैं क्योंकि शादी में लेट मिलता है। कराची की शादी है, देखो पेशावर की शादी नहीं है। भाई पहुंच गए घर, रस्ते से हमने खाना ले लिया था भाई, पर जाके खाते हैं। चलो 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 चलो। तो भाई हमने भी लिया ब्रोस्ट, तो खाते फटाफट से खाना। ये है मेरा आज का सूट, क्या सूट है भाई, क्या सूट है यार। और साथ ही साथ ये क्रोकोडाइल की चप्पल मैच करेगी ना? तो भाई कर लेते, तो भाई कर लेते फटाफट से चेंज कपड़े और फिर पिक करना मैं सभा को डायरेक्ट। 1 2
ये हो गया भाई, मैं रेडी। ऐसा लग रहा है भाई आपका भाई, बताओ यार कैसा लग रहा है? लग रहा है ना हैंडसम आपका भाई पे। हाय हाय हाय, माशाल्लाह लिख दो कमेंट के अंदर भाई। अब रिव्यू लेते हैं भाई घर वालों से। मॉमी जबरदस्त लग रहा है ना, कुछ चेंज लग रहा है। अच्छा लग रहा हूँ। हाँ। भाई मॉम को पसंद आया। फरिये फरिये, ये बड़ा अच्छा लग रहा है इसका, ये ना रेम्बो रेम्बो। हाँ। ओ हो हो हो, आप क्या शलवार है यार इसकी। अरे ये तो लड़कियों वाली है। लड़की भाई ये स्टाइल है भाई, स्टाइल तो पूछ रहा हूँ कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। लोग के भाई बहुत अच्छा। अबे टमाटर अंदर क्या कर रहे हैं, अबे क्या कर रहे हैं, अबे क्या कर रहे हैं। ट्रेन को खोलना नहीं लेकिन तुम्हें डराना जरूर है। पता है एकदम बार बार यूं कर रहे हो, डरता कि जैसे दरवाजा खुल जाए। तो गाइस टमाटर मेरे साथ जाएगा भाई, और मेरे साथ मेरा फ्रेंड होगा, और फिर हम सबको पिक करके हॉल में जाएंगे। बाकी जितने भी लोग हैं ना घर में, वो सारे जो एटूड भाई के साथ है। अब एटूड भाई गाड़ी इतनी बड़ी तो है नहीं, कैसे आओगे सारे भाई? आ जाओगे नहीं आ जाओगे? पक्का? तू वो भी रेडी हो गया भाई? अबे तू भी अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। तीसरा हमारा जो है ना साइंटिस्ट, वो भी रेडी हो रहा है। बाबू भैया धोती तो संभाल लो अपनी। ओए जी भाई, क्या ख्याल है, कैसे लग रहा है आपका भाई? जबरदस्त मजेदार। हंस क्यों रहे हो? अच्छा दिख रहे हो इसलिए हंस रहे हो? नहीं नहीं कोई वजह, जल्दी बताओ क्या वजह है भाई, जल्दी बताओ। बताओ जो भी बता दो। ये तुमने जो ड्रेसिंग की है ना, हाँ। ये पिशावर में जो ढोल बजाते हैं जी जी वो करते हैं। लेकिन एक बात बताओ, ये पिशावर नहीं है, ये कराची है यहाँ पे चलते हैं। कुछ भी खुल जा सिम सिम। तो भाई पहुंच चुके हैं भाई सलून, और अभी जो है ना सबको मैंने कॉल की कि अभी बाहर आ जाओ। बोलती है भाई 10 मिनट वेट करो भाई, 10 मिनट। भाई शहीर अगर तुम्हारी शादी में मैं लेट हो रहा हूँ ना, फिर सबा ही ऐसे लेट हो। 3 घंटे से छोड़ा हुआ है भाई इसको मैंने सलून, और 3 घंटे बाद भी 10 मिनट रुको। आ गई है दुल्हन। कैसी लग रही हो? ऑलवेज गुड। बुड्ढो आदमियों वाले चंपू वाले बाल बना के आए यार, और क्या बनाऊं, सही तो बनाए। नहीं ना, मैंने आपको बोला था बाल बनवाने, आपने प्यारे से बाल यार बनवाते। मैं सलून वाला थोड़ी हूँ, मैं बताया तो सिर्फ सर बार धोना है मुंह, बस बाल यूं हाथ मारने। बहुत प्यारे लगता है, थोड़े बाल बनवा। अभी भी गाइस बताओ मैं प्यारा लग रहा हूँ नहीं लग रहा? भाई लोग मुझे पसंद ऐसे ही करते। तो गाइस अब चलते हैं भाई डायरेक्ट हॉल में, कि हम काफी लेट हो गए भाई। अगर किसी ने बोला ना लेट आए हो, गाइस यहाँ पर देखो हमें 9:06 हो गए, ठीक है? तो सारी 1 घंटा वेट करते हैं, 10 मिनट तो बदला लिया है। अच्छे लग रहे हो, ब्लू पहने भगवी ने क्या पहना है? जैकेट पहनी है। ये समझ रहे पेशावर में आया हूँ मैं, ये पठानों वाली शादी में जाना। उन्होंने मुझे बोला है कि पेशावर में ये वो लोग पहनते हैं जो ढोल वोल बजाते हैं, और कराची में ये वो लोग पहनते हैं जो वो खाना देने आते हैं। और भैया हमसे पहले ही पहुंच गया। गाइस हमने सही ढोल धमाक के लगाए हुए थे अभी शादी से पहले, हमने गाड़ी में इतना एंजॉय कर लिया। अरे भाई बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली है, उस गेट से नहीं निकल पाऊंगा, इधर से निकलूंगा। बड़ी मुश्किल हुई है पार्किंग करने में यार। अरे वाह मम्मा और फरिया भी आ गए। ओए 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 ओए, घोड़ा भी है भाई, ओए घोड़ा भी है। अबे इस घोड़े पे कौन बैठेगा? आहा आहा, दूसरे दोस्त की शादी हो गई, एक ही रह गई है। तो भाई ये आ गया दूल्हे का घोड़ा, वो आ गई दूल्हे की गाड़ी। दूल्हा यहाँ से उतरेगा, इस पे बैठेगा, फिर अंदर जाके बैठेगा। यहाँ पर अनार वनार बम शम फटेंगे, उसके बाद फिर ढमोल धमाका। दूल्हे मियां वेलकम भाई, आप कैसे हैं? एक मिनट, बहुत तेज हो रही है ना, रोई हो रही, लेकिन देख ये आज की फीलिंग है बस, एक पैदा होने की और एक शादी होने की, दो लाइफ चेंजेस है। नहीं नहीं डांस करना है, डांस रोना नहीं है। हाय हाय अभी से स्टार्ट कर दूं मैं तो, बोलो अभी से स्टार्ट। हम फटेंगे पैर उसके बाद। अच्छा डन हो गया, डन हो गया। दूल्हे को लेके स्टेज तक जाना, हमने गन पकड़ कर, गन पकड़ कर। दूल्हा जो है वो रेडी है अपनी दुल्हन को रिसीव करने के लिए, और वहाँ जो है वो दुल्हन रेडी है इधर आने के लिए। अरे नहीं यार, नहीं कर यार, कितना कितना पुराना प्यार है आपका, ये कैसी फीलिंग है? क्योंकि लव मैरिज मेरी भी तेरी भी हो रही है। कितना टाइम हो गया था लव को? ये सब बातें छोड़ो,
बहुत ज्यादा खुशी है गाइस, बहुत दुल्हन को लिया है, अब दुल्हन को लेने गई है सुबह। ओए ओए दुल्हन को छोड़कर आया, मैं दुल्हन को लेकर आऊं ना। बस साइंटिस्ट किधर है? साइंटिस्ट बस साइंटिस्ट तो बराबर में खड़ा हुआ। ओवे भाई स्पेस को देख रहा है, कुछ कुछ चल रहा है। क्या दरियाफ्त कर लिया अब? यार मैं ये सोच रहा हूँ मेहमान को बिरयानी की खुशबू कैसे आई है? जो मेहमान डायरेक्ट आ गए। ओए मैं डायरेक्ट जहाज से कूद के देख रहा हूँ मैं भाई, साइंटिस्ट हूँ ना तो मैं खुशबू देख रहा हूँ कि भाई कैसा आई होगी। क्या कॉमेडी की है भाई। मेन पॉइंट पे आते हैं, मेन पॉइंट ये था हमारा कि भाई एटीट्यूड वाया मिल गया भाई। इसने भी ड्रेसिंग ब्राउन की है, इसने कौन सी ब्लू और मैंने की है ब्लैक। तो बताओ भाई कौन सबसे ज्यादा प्यारा लग रहा है? जल्दी से पकड़ो, जल्दी बताओ भाई। मैच लग रहा हूँ ये अच्छा, ये अच्छा मैं अच्छा तो मैं ही लग रहा हूँ भाई। कॉमेंट करके बताओ। तो भाई एंट्री के बाद काफी ज्यादा हम लोग सबसे मिल चुके हैं और अभी हो रहे हैं भाई 11:15। क्या हुआ भाई? बहुत भूख लगी है यार। सही खाना खिलाया मैंने फिर। भाई मैं मुझे पता है ना कि कराची की शादियों में 12:12 बज जाते हैं भाई खाने में यार। अभी खाना नहीं खुला तो हम जा रहे हैं भाई लिफाफा और सारे को। कहाँ जा रहे हैं? बैठो ना, चलो ना भाई। दूल्हा तोड़ के भाग रहा था भाई, दूल्हे को भूख लगी लग रहा है। दूल्हा भूख लग, दूल्हा बैठेगा, दूल्हा की तो जगह ही नहीं है। तुम्हारे आंसू जाया गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे आप दोनों को एक दूसरे के साथ। ये गिफ्ट आपका है ये आईफोन 17 प्रो मैक्स है। ये मैंने सबसे पहले तुम्हें दिया। नजर नहीं लगाओ, आपको गिफ्ट वाली मिलेगा आपको। तो ये कोई गिफ्ट है? ये तो ऐसी दे दे दे। गिफ्ट गिफ्ट हो, 1 रुपया और 2 रुपया गिफ्ट गिफ्ट। भाई तुम ये तो बताओ खाना खुल कब रहा है? सब मुझसे पूछ रहे हैं जैसा लग रहा है कि मेरी शादी। खाना खुल गया, खुल गया। ओ भाई कुछ आया, कुछ आया, कुछ आया। ओ ये क्या आ गया है भाई? शेंदी अफसा शहीद। ओके जिसमें क्या है भाई? ये कुछ मिला है और इसमें सिर्फ खजूर है क्लियर, और ये शाही मेवा। देखो सबके डब्बे चेक करो, देखो भाई अपने अपने मेरे दो डब्बे खाली, सबके तो खाली हो रहे हैं। ये है ठीक है, और सबसे ज्यादा मुझे स्पेशल मिला है। नहीं स्पेशल मोम ने भरा है, मोम ने सबका भर दिया। ये देखो ना, ये देखो, ये देखो मोम आपने एक में डाल दिए सारे। मैंने सबको बोला है, मम्मा को बताया था, मैंने कहा हमारे घर पे कोई इसका पूछना है ना तो उनको मना कर देना, नहीं यार क्योंकि इसकी हरकतें देखी अम्मी के घर जाके क्या कर रहा है, सब देख लेंगे। डांस कर रही है तो इसने शादी की में नहीं डांस किया है, मतलब वहाँ डांस कर रहा है। लो भाई ये देखिए घर छोड़ के जा रहे हैं। लो भाई आई याली देखना, याली देखो नजर ऐसे। हम जो है यहाँ मजे कर रहे हैं, वो अपने नानी घर में मजे कर रहा है। गाइस दो ढोल वाले मिले हैं और ये जो है ना, ये पता नहीं ढोल किधर है भाई आपका? ढोल किधर है? ढोल ओ ये तो लारे पे। ओ भाई कैसे आ गए हो? मिल गए हो फाइनली भाई, टाइम बाद। गाइस कर रहे ढोल से फाइनली भाई खाना जो है वो किधर ही आ चुका है टेबल के ऊपर यार, तो फटाफट से खा लेते खाना। खाने में क्या क्या है वैसे? ये है कचौरी, ये है बिरयानी, ये है टिक्का, और ये कचौरी का कोई तरकारी। फटाफट से पहले बनाते हैं प्लेट और फिर खाते हैं। क्या हो गया, किससे बात कर रही हो? कर लो कर लो, खाना खा लो फिर कर लेना बात। भाई खाना भी फिनिश हो गया, एंटरटेनमेंट चल रही है भैया, डांस मैच कवाली कवाली अभी डांस के बाद शुरू होगी, तो डांस ये लोग कर रहे हैं। मुझे तो डांस आता नहीं है यार, तो मैं सिर्फ देख रहा था और रिकॉर्ड कर लिया। अब जो है ना भाई सभा लोग घर छोड़ देते क्योंकि एक बज चुका है, तो सभा को मैंने उसकी अम्मी घर छोड़ना है और बासिल भी वेट कर रहा होगा फिर सभा का, और मम्मा लोगों को अपने घर जाना है, मतलब जहाँ मुझे जाना है। तो सभा को हम लोग छोड़ना है दूर काफी, तो लेट्स गो चलते हैं भाई हम लोग घर, और ये फंक्शन तो चलता रहेगा। ओ गाड़ी गाड़ी ओ भाई गाड़ी तो ये खड़ी, ओ ये तो गली बंद हो गई भाई, मैं जाऊंगा कहाँ से? अरे यहीं से जाना पड़ेगा जहाँ से आया था। फाइनली यार मेरा दूसरा दोस्त भी जो है ना वो हो गया घर वाला, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। ओ भाई गेट कौन बंद करेगा ये? साहब ओ भाई इतनी बड़ी गाड़ी, 6 गेट वाली गाड़ी है। तो क्या क्या सामान लिया? अरे पूरे महीने के लिए लिया। वलीमे का ड्रेस और इसमें मेरी चीजें ज्वेलरी वगैरह, और तो कपड़े जो पहनने के 3-4 दिन के, और वो गिफ्ट मिला है मुझे। क्या गिफ्ट मिला? शादी से। हाँ शादी से गिफ्ट मिला है, वाह यार। खोलो 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 खोलो। मम्मा को इग्नोर कर दिया उसने, और ये पापा पापा को बहुत मिस करता है ये। तुम्हें भी तो जाग रहे थे पापा की तो नन्ही सी जान है भाई। दो पठान जो मिल चुके हैं,
करो ना बात अब कर रहे हैं ना ना अगले खर्च से भी ज्यादा प्लाजे जोड़ा फिर ना कॉर्नर है ना अम्मी जो है ना वो पठान है तो बस अभी पठानी बात शुरू हो गई जब से हम आए क्या करूं ठीक है अच्छा पहले मैं से खा लूं मैं बताने लगा था कि भाई केक और चाय आई है भाई अभी थैंक यू बासिल बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक एक दाना मुझे खिला रहा है इसमें मैंने शादी में कुछ भी नहीं खाया उसको पता है ना पापा शादी में कुछ भी नहीं खा के आए केक खिला दे उसको तो भाई फटाफट से पीते हैं भाई चाय शादी में काफी समय हो गया भाई शोर 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 तो इस व्लॉग को भाई इधर से एंड कर देता हूं उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आएगा व्लॉग को लाइक कमेंट सब्सक्राइब मस्त कर दो भाई 2:17 हो रहे हैं तो इस व्लॉग को भी एंड करके फिर एडिट भी करना घर जाकर बाय बाय लाइफ टेक केयर यार मजा आ गया और कमेंट के अंदर विशेस कर दो भाई मेरे फ्रेंड को यार एक ही बार शादी होती है तो तुमने मुझे भी विश किया तो उसको भी कर देना जी अच्छा भाई पापा तो चुप नहीं पापा लेके तो नहीं जा सकते तुम्हें मुझे भी अभी व्लॉग एंड करो ताकि मैं चुपके से फिर निकल जाऊं तो बाय अल्लाह हाफिज़ टेक केयर ख्याल रखो खुश रहो और ढेर सारा एंजॉय करो जिन जिन की शादी नहीं हुई अल्लाह ताला उनको भी शादी करवाऊंगी भी और उनको भी कोई नेक नेक लड़की मिले यार इसके साथ उसका सफर अच्छा हो तो बाय अल्लाह हाफिज़